अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी लोग बखैर हैं। मॉक टेस्ट सीरीज का आज का हमारा दूसरा सबक शुरू हो रहा है। पहला सवाल, शेरुल हिंद के मुसन्निफ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल सलाम नदवी। जी हाँ, अब्दुल सलाम नदवी, जिनकी दूसरी मशहूर किताब का नाम है इकबाले कामिल। सवाल नंबर दो, बागो बहार किसकी तसनीफ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीर अमन। मीर अमन जिन्होंने यह किताब गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1802 ईस्वी में लिखी थी और जो पहली बार 1804 ईस्वी में शाया हुई। ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब मानी जाती है। सवाल नंबर तीन, उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा हादी रसवा। मिर्ज़ा हादी रसवा ने यह किताब, ये नावेल 1899 ईस्वी में लिखी थी। इस किताब के अंदर फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें बयानिया सिंफ का भी इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर चार, अफसाना कफन के मुसन्निफ कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। जी हाँ, ये प्रेमचंद का एक शाहकार अफसाना है जिसे 1936 ईस्वी में रिसाला ज़माना में शाया किया गया। रिसाला ज़माना जिसके मुदीर दया नारायण निगम थे और उन्होंने इसे अपने रिसाले के अंदर जगह दी। सवाल नंबर पाँच, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्मत चुगताई। जी हाँ, इस्मत चुगताई जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में बदायूं में ही और उनका इंतकाल 1991 ईस्वी बम्बई में हुआ। सवाल नंबर छः, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक अदब की किस सिंह से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खतूत। जी हाँ, गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने 1942 से लेकर 1945 तक किला अहमद नगीर नगर के कैदखाने के दौरान लिखे थे। इस खतूत के मजमू के अंदर 24 खतूत शामिल हैं जो उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे और जिसे पहली बार हकीम अजमल खान ने 1946 ईस्वी में शाये किया। सवाल नंबर सात, इंद्रसभा किस अहद में लिखी गई। जी हाँ, इंद्रसभा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। इंद्रसभा वाजिद अली शाह के अहद में लिखी गई। ये पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। ये उन्होंने 1852 ईस्वी में लिखा था और ये पहली बार 1855 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर आठ, सैयद एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम बताइए। सैयद एहतशाम हुसैन, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साहिल और समंदर। शेरनामा मिस्र रूम, ये सफ़रनामा है अल्लामा शिबली नुमानी का। लंदन और लंदन, ये सफ़रनामा है सर सैयद अहमद खां का। सवाल नंबर नौ, आले अहमद सरूर की तनकीद की नौयत क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइंटिफिक तनकीद। सवाल नंबर दस, नाम देवमाली का खाका किसने लिखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलवी अब्दुल हक। जी हाँ, ये मौलवी अब्दुल हक का एक शाहकार खाका है जिसके अंदर उन्होंने कुंदन के किरदार के अंदर इंसानी काम के लिए लगन और उसकी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है। सवाल नंबर ग्यारह, हुज्जतुल इस्लाम किस नाविल का किरदार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्नुल वक्त। जी हाँ, हुज्जतुल इस्लाम डिप्टी नज़ीर अहमद का एक मशहूर नाविल है जिसके अंदर इन्होंने सर सैयद अहमद खां को इब्नुल वक्त बनाकर पेश किया है। सवाल नंबर बारह, तहजीबुल अखलाक की इशात की इब्तदा किस शहर से हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनारस। जी हाँ, तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को बनारस से शाये हुआ था। सवाल नंबर तेरह, गालिब किस शहर में पैदा हुए। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगरा। जी हाँ, गालिब की पैदाइश आगरा में 1797 ईस्वी को हुई थी और उनका इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। सवाल नंबर चौदह, आब हयात का मौजू क्या है। इसका सही जवाब है तस्किरा। जी हाँ, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का
तसनीफ़ है जिसके अंदर पांच बाब तकसीम किए गए हैं, पांच बाबों के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी तस्किरा। सवाल नंबर 15, माह तलत किस दास्तान का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फसाने अजाइब। फसाने अजाइब जो रजब अली बेग सुरूर की एक तसनीफ है जो 1240 हिजरी मुताबिक 1824 ईस्वी में लिखी गई थी। सवाल नंबर 16, आदमी नामा किस शायर की नज़म है? तो ये आप बखूबी जानते हैं, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा, रीछ का बच्चा, इस तरह के जितने भी उनवानात के नाम से नज़में हैं उनके तख्लीक़कार हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जिनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ। सवाल नंबर 17, उर्दू ज़बान की तारीख पर महमूद शिरानी की किताब का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू पहली बार 1928 ईस्वी में, इसके बाद दूसरी मरतबा 1949 ईस्वी और तीसरी बार 1963 ईस्वी में तबाह हुई थी। सवाल नंबर 18, तकसीम हिंद पर लिखे गए नावल का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंगन। सवाल नंबर 19, बहादुर शाह जफर के दरबार से किस शायर का ताल्लुक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ौक। ज़ौक जिन्हें अकबर शाह सानी ने खाकान हिंद का खिताब दिया था और इनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। सवाल नंबर 20, किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर तकी मीर। जी हाँ, मीर तकी मीर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है और इसी के साथ इन्हें ना खुदाए सुखन के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 21, दर्ज ज़ेल किताबों में कौन सी खुदूत का मजमुआ नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लैला के खतूत। जी हाँ, लैला के खतूत काजी अब्दुल गफ्फार का एक शाहकार नावल है। सवाल नंबर 22, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम अमल में आया। सवाल नंबर 23, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फूल बन। जी हाँ, सवाल नंबर 24, ताजुल मुलुक किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी है जो 1254 हिजरी मुताबिक 1848 ईस्वी में लिखी गई। ये मसनवी शुरू में बहुत तबील थी, बहुत लंबी थी। जब इन्होंने इसे अपने उस्ताद शेख आतिश को दिखाया तो आतिश के कहने पर दयाशंकर नसीम ने इसके अंदर इख्तसार से काम लिया और इसकी तबारात को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये मसनवी एक शाहकार मसनवी करार पाई। सवाल नंबर 25, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 मिसरे। जी हाँ, मुसद्दस के एक बंद के अंदर 6 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं और मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 26, दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नौमानी। सवाल नंबर 27, ओदे हिंदी के मुसन्निफ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असदुल्ला खां गालिब। जी हाँ, ओदे हिंदी और उर्दू मौला ये असदुल्ला खां गालिब के खतूत के मजमू के नाम हैं। सवाल नंबर 28, असबाब बगावत हिंद का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सियासत। जी हाँ, ये सर सैद अहमद खां की तसनीफ़ है जो इन्होंने 1857 के हंगामे के बाद बिजनौर में तसनीफ़ की थी। सवाल नंबर 29, उर्दू में तकाबुली अदब की इब्तदा किसकी किताब से होती है या किस किताब से होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मवाजना अनीस दबीर। मवाजना अनीस दबीर अल्लामा शिबली नुमानी की एक ऐसी किताब है जिसे तकाबुली अंदाज की पहली किताब, मवाजने की पहली किताब तस्लीम किया जाता है। इस किताब के अंदर अल्लामा शिबली नुमानी ने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के कलाम का मवाजना किया और उनका मकाम तय करने की एक कोशिश की है। सवाल नंबर 30, अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से शाया हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता। जी हाँ, अल हिलाल सबसे पहले 1912 ईस्वी में कलकत्ता से शाया हुआ, उसके बाद बंद हुआ, फिर शाया हुआ, फिर बंद हुआ
और फिर आखिर तीसरी मरतबा 1927 ईस्वी में ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल पसंद आएंगे। फिर मुलाकात होगी एक नई सबक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।